हजारीबाग का हृदय स्थल से नाम से जाने जाने वाला झील परिसर जहां सुबह शाम लोग घूमने के मकसद से पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों झील परिसर में गंदगियों का अंबार और जल कुंभियों की वजह से आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध भी फैला नजर आ रहा है। बताते चले कि दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद छठ पूजा की तैयारी को लेकर भी लोग साफ सफाई में जुट जाते हैं, लेकिन अभी तक झील परिसर का साफ सफाई नहीं हो पाया है। छठ घाट की साफ सफाई करने पहुंचे लोगों ने बताया कि आसपास के क्षेत्र में फैल रही गंदगी का जिम्मेवार नगर निगम के अलावे आम नागरिक भी हैं। ऐसी स्थिति में नगर निगम के कर्मियों के द्वारा जल कुंभियों की साफ सफाई के अलावे आसपास में फैले कचरे के ढेर को साफ करवाना चाहिए, ताकि हजारीबाग का हृदय स्थल झील परिसर साफ और सुंदर हो सके। यहाँ छठ की तैयारी चल रही है, साफ सफाई करने आए थे, देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गंदगी फैला हुआ है, प्लांट ये सब उग गया है। यहाँ लोग सुबह शाम घूमने आते हैं फ्रेश एयर लेने, लेकिन यहाँ तो बहुत गंदगी, यहाँ तो फ्रेश एयर की जगह स्मेल आता है। इका देख रहे हैं बाबू तो साफ करवाने आए हैं, सब गंदा लगा हुआ है, सब लैला मजनू तो ज़्यादा करके यहाँ आ रहे हैं, यही तो देखने में तो नहीं अच्छी लगता है। का करें, हम लोग आते हैं जाते हैं देखते रहते हैं, का करें कि इतना फैला हुआ है, कोई गिरेगा गड्ढा में तो पता नहीं लगेगा, बच्चा ले करके लोग आते हैं जाते हैं सब। हमारे नगर निगम की नगर आयुक्त महोदया का विशेष ध्यान है कि जितने भी हमारे नगर निगम क्षेत्र में वाटर बॉडीज़ हैं उनको स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए उनका विशेष फोकस रहता है। इसी के अंतर्गत अभी जैसे स्वच्छता ही सेवा भी अभियान चला था, जिसके दौरान हमने झील की सफाई की थी, और चूंकि दिवाली आने वाला है और छठ आने वाला है, तो इसके तहत हम विशेष अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत हम झील के साथ साथ और भी अदर वाटर बॉडीज है जहाँ पर छठ पर्व मनाया जाएगा, उसके लिए हम साफ़ सफाई और जो भी श्रद्धालु होंगे उनके उनके पूजा हेतु जो व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जाएगी उसको हम प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।